नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य। दुनिया आज तक में दिखाएंगे अमेरिका में फिर शूट आउट, साथ ही दिखाएंगे चीन में लूनर न्यू ईयर की रौनक। लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। यूक्रेन के एकता दिवस के मौके पर युद्धग्रस्त बोरोजियांका के दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन। रूस के हमले से क्षतिग्रस्त इलाके का लिया जायजा। बोरिस के पूछने पर कीव के गवर्नर ने बताया अब तक 162 बेकसूर नागरिक मारे गए। गोलीबारी से फिर दहला अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया। लॉस एंजलिस में खूनी वारदात में 10 लोगों की मौत, कई जख्मी। इसराइल में पीएम नेतन्याहू ने अपने कैबिनेट के अहम सहयोगी मौजूदा गृह और स्वास्थ्य मंत्री डेरी को किया बर्खास्त। देश के सुप्रीम कोर्ट ने डेरी को संगीन धाराओं में पाया था दोषी। अमेरिका में FBI ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के आवास की 13 घंटे तक ली तलाशी। कई गोपनीय दस्तावेज फिर हुए बरामद। राष्ट्रपति के वकील ने बताया बाइडेन की गैर मौजूदगी में विभाग ने कुछ हस्तलिखित नोट भी कब्जे में लिए। कुरान जलाने पर भड़के टर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान। स्वीडन की राजधानी में कुरान जलाने की घटना के बाद इस्लामिक देशों में भारी आक्रोश। कोरोना पाबंदी हटने के बाद चीन से बाली के बीच पहली उड़ान। 210 चीनी यात्रियों ने लूनर न्यू ईयर पर घूमने पहुंचे इंडोनेशिया। 8 जनवरी को चीन और इंडोनेशिया में उड़ाने हुई बाहर। ऑस्ट्रेलियन ओपन के चौथे राउंड में वर्ल्ड नंबर 1 ईगा को करारी हार। एलेना ने सीधे सेटों में 6-4 से हराया। चीन में कोरोना के साए में मनाया जा रहा है लूनर न्यू ईयर। बीजिंग के लामा टेम्पल में श्रद्धालुओं ने कोरोना पीड़ितों के लिए की प्रार्थना। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने सिडनी में चीनी समुदाय के साथ धूमधाम से मनाया लूनर न्यू ईयर। दुकानदारों को तोहफे बांटकर दी गई बधाई। पारंपरिक ड्रैगन डांस का लोगों ने उठाया जमकर लुत्फ। बकिंघम पैलेस में किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी की योजना के बारे में जानकारी की जारी। 74 साल के चार्ल्स तृतीय और उनकी पत्नी महारानी कैमिला की 6 मई को औपचारिक रूप से होगी ताजपोशी। अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कैलिफोर्निया में रविवार को मास शूटिंग की घटना हुई जिसमें 10 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हैं। बताया जा रहा है यह घटना चीनी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान हुई। अमेरिका एक बार फिर गोलीबारी से दहल गया। तस्वीरें कैलिफोर्निया के मॉन्टेरी पार्क की है जहां पर एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में 10 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। वहीं घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही कैलिफोर्निया पुलिस और एम्बुलेंस टीमें मौके पर पहुंची और जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना किस वजह से हुई फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। When officers arrived on scene, they observed numerous individuals, patrons of the location, pouring out of the location, screaming. The officers made entry to the location and located additional victims. The Monterey Park Police Fire Department responded to the scene and treated the injured and pronounced 10 of the victims deceased at the scene. There were at least 10 additional victims that were... रिपोर्ट के मुताबिक गोलीबारी स्थानीय समय के मुताबिक रात 10 बजे के आसपास हुई। यहां के मॉन्टेरी पार्क में एक चीनी न्यू ईयर समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान एक शख्स ने समारोह के दौरान अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस दौरान कई लोगों को गोलियां लगी हैं और कई की मौत भी हुई है। मॉन्टेरी पार्क की आबादी करीब 60,000 है। इनमें 65% एशियन अमेरिकन है जबकि करीब 35% चीनी मूल के लोग रहते हैं। ये शहर लॉस एंजलिस से करीब 16 किलोमीटर दूर है। पुलिस के मुताबिक घटना के वक्त समारोह में हजारों लोग मौजूद थे, इसलिए मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। यहां 2 दिन का फेस्टिवल चल रहा था। इससे पहले भी इस इलाके में लोकल वाइट सोसाइटी और एशियन कम्युनिटी के बीच हिंसा हो चुकी है। पिछले साल ऐसी ही घटना में 5 लोग मारे गए थे। आज तक ब्यूरो। यूक्रेन को सैन्य मदद देने को लेकर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स फ्रांस पहुंचे हैं। मैक्रॉन से उनकी मुलाकात हुई। शोल्स का ये दौरा उस मौके पर हुआ जब फ्रांस जर्मनी के बीच LC समझौते को 7 साल पूरे हो रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी लड़ाई के लिहाज से यूरोप के सबसे ताकतवर देशों फ्रांस और जर्मनी के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात बेहद अहम है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने राजधानी पेरिस पहुंचे जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यूक्रेन युद्ध के अलावा ओलाफ शोल्स और इमैनुएल मैक्रों के बीच फ्रांस और जर्मनी में ऊर्जा संकट, आर्थिक नीति और रक्षा सहयोग पर भी कई महत्वपूर्ण करार हुए।
ओलाफ शोल्ज के दौरे से पहले जर्मनी की पूरी कैबिनेट फ्रांस की राजधानी में मौजूद है। साथ ही दोनों देशों के बीच एक समारोह में युद्ध के बाद 60 साल पुराने एलएसी समझौते की वर्षगांठ भी मनाई गई। बता दें कि एलएसी समझौते के तहत ही मौजूदा समय में दोनों देश यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश हैं। मैक्रों और शोल्ज ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को सैन्य मदद देने पर भी बातचीत की। हालांकि फ्रांस और जर्मनी ने यूक्रेन को सैन्य मदद भिजवाई है, लेकिन जिन युद्धक टैंकों की यूक्रेन मांग कर रहा है उसे भेजने के लिए जर्मनी में नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच सहमति नहीं बन पाई और अमेरिका ने अलग से सैन्य मदद का ऐलान कर दिया। उसके बाद से ही यूक्रेन के मुद्दे पर यूरोप सवालों के कटघरे में है। आज तक विरोध। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में शनिवार को भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया और इस्तीफे की मांग की। स्पेन की समाजवादी सरकार के खिलाफ शनिवार को भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। राजधानी मैड्रिड की सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्पेनिश संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। सिटी हॉल के सामने प्लाजा डे सिबिल्स में जुटे 30,000 से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस को देशद्रोही बताया और इस्तीफे की भी मांग की। विरोध प्रदर्शन का आयोजन 100 से ज्यादा राष्ट्रवादी संगठनों ने मिलकर किया, जिसका मकसद लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना और कैटलोनिया के अलगाववादियों का विरोध करना था। Entonces creo que era necesario venir y decir que basta ya y que lo importante es que salgamos de esta crisis económica que tenemos tan importante y que no se gaste el dinero en cosas tan superfluas y que tampoco nos importan a los españoles. सेंट्रल मैड्रिड में हुए प्रदर्शन को रूढ़िवादी पॉपुलर पार्टी सेंटर राइट सियुडाडानोस और वोक्स पार्टी ने भी अपना समर्थन दिया। दरअसल स्पेन की सरकार कैटलोनिया और ज्यादा स्वतंत्रता दिए जाने पर विचार कर रही है, जिसका ये प्रदर्शनकारी विरोध कर रहे हैं। बता दें कि कैटलोनिया के लोग लंबे वक्त से स्पेन से अलग होने और एक स्वतंत्र देश के लिए प्रदर्शन करते रहे हैं। आज तक भी चिली की राजधानी सेंटियागो में लोगों ने जमकर एरोबेटिक्स शो का लुफ्त उठाया है। शनिवार की रात यहां के ओहिंग्स पार्क में एक बेहद खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे देश से आए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मॉडर्न टेक्निक्स पर आधारित शो में एक साथ कई अनोखी कलाकृतियां और जबरदस्त लाइटिंग का संगम देखने को मिला। जमीन से 80 मीटर ऊपर टेलीस्कोपिक तकनीकी का इस्तेमाल कर इस बेहद खूबसूरत कला का प्रदर्शन किया गया था, जो लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। इटली के मशहूर निर्देशक एंजेलो बोनेलो ने इस शो को डायरेक्ट किया, जिसकी शो में शिरकत करने के लिए लोगों ने जमकर सराहना की। दुनिया आज तक में आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।